दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल पे की ऑल सेटिंग्स एंड फीचर्स के बारे में कि कैसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं और कैसे गूगल पे की इन सभी सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिंह और आप देख रहे हैं RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल पे को इंस्टॉल करके कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करके दूसरे लोगों को पैसे भेज सकते हैं और कैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो शेयर किया है जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या गूगल पे इंस्टॉल करने के बाद कर सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपनी गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप रिवार्ड्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स जीते होंगे वो शो हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 रिवॉर्ड शो कर रहा है, यानी कि मैंने अभी इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर नहीं की है। लेकिन अगर आप किसी को गूगल पे के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलेंगे जिनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आप अपनी टोटल रिवॉर्ड्स पॉइंट्स यानी कि कितने पैसे आपको रिवॉर्ड्स के तौर पर मिले हैं वो देख सकते हैं, और ये पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। यहीं पर बॉटम साइड में व्यू ऑफर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग ऑफर्स देख सकते हैं, और इन ऑफर्स के थ्रू आप गूगल पे पर अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑफर देख सकते हैं, इन्वाइट योर फ्रेंड्स टू यूज़ गूगल पे, यानी कि अपने दोस्तों से गूगल पे इंस्टॉल करके फर्स्ट ट्रांजेक्शन कराएंगे तो आपकी अर्निंग होगी और साथ ही आपके उस फ्रेंड की भी अर्निंग होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप बॉटम साइड में सी ऑफर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको इस ऑफर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफर 30 जून तक अवेलेबल है, और इस बीच अगर आप अपने किसी फ्रेंड को गूगल पे रेफरल लिंक सेंड करते हैं और आपका वो फ्रेंड आपके भेजे लिंक के थ्रू गूगल पे इंस्टॉल करता है और अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करता है तो आपको 81 रुपीज़ मिलेंगे और आपके उस फ्रेंड को 21 रुपीज़ मिल जाएंगे। यहीं पर आप बॉटम साइड में इनवाइट फ्रेंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने दोस्तों को गूगल पे ज्वाइन करने के लिए रेफरल लिंक भेज सकते हैं, उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहां पर अदर ऑफर्स का लाभ भी उठा सकते हैं और गूगल पे के थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं। इसके बाद ऑफर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अलग अलग ऑफर्स चेक कर सकते हैं और इन ऑफर्स का यूज़ करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है रेफरल्स का, तो इस पर क्लिक करके आप अपने कॉन्टैक्ट्स को गूगल पे रेफर कर सकते हैं, उन्हें गूगल पे डाउनलोड करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी कॉन्टैक्ट के सामने इनवाइट के ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू गूगल पे यूज़ करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, और अगर आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने फ्रेंड्स को रेफरल लिंक भेजना है तो यहाँ पर आपको शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे तो यहाँ पर आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको अपने किसी फ्रेंड को सिलेक्ट करना है और फाइनली उसे इन्विटेशन लिंक भेज देना है। अब इसके बाद जब भी आपका ये फ्रेंड इस लिंक पर क्लिक करके गूगल पे इंस्टॉल करेगा और फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको 81 रुपीज़ मिल जाएंगे और इस फ्रेंड को 21 रुपीज़ मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन की होंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है चेक अकाउंट बैलेंस, तो इस पर क्लिक करके आप अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने UPI पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपना UPI पिन एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे इस तरह से आपके सामने आपके बैंक का बैलेंस शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इन्वाइट का ये बटन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके भी आप अपने किसी भी फ्रेंड को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वाइट कर सकते हैं, उन्हें गूगल पे ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहीं पर आप बॉटम साइड में न्यू पेमेंट का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे और साथ ही एक कॉन्टैक्ट लिस्ट भी होगी जिसमें आपके वो फ्रेंड्स होंगे जो गूगल पे का यूज़ करते हैं, और साथ ही उनके भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करना है तो आपको मोबाइल रिचार्ज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा और साथ ही आप यहाँ से अपना ऑपरेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है
और एंटर करने के बाद बॉटम राइट साइड में आपको एरो की इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके नंबर के अलग अलग प्लान्स और ऑफर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में रिचार्ज अमाउंट एंटर करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 रुपीज़ एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से आप कुछ भी अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप रिचार्ज अमाउंट का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस में रिचार्ज अमाउंट, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बॉटम साइड में प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने UPI पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना UPI पिन एंटर करना है। एंटर करते ही इस तरह से आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद बिल पेमेंट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना बिजली पानी का बिल भर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड या लैंडलाइन बिल पे कर सकते हैं, गैस बुकिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस अमाउंट पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आपको अपना बिजली का बिल भरना है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अपनी सर्विस चूज करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर BSES अपना बिल पेमेंट को चूज कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको गेट स्टार्टेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने CA नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में अवेलेबल CA नंबर को एंटर करना है। इसके बाद अकाउंट नेम में आप इस तरह से कुछ भी नेम दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बॉटम साइड में एरो के इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में लिंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से बिलिंग डिटेल यानी कि टोटल अमाउंट आपके सामने आ जाएगी और ड्यू डेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फाइनली बिल भरने के लिए आपको पे बिल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप यहाँ से अदर बिल भी सबमिट कर सकते हो। दोस्तों गूगल पे के थ्रू आप किसी के बैंक अकाउंट में भी डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर बैंक ट्रांसफर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर एंटर करना है जिसे आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके बाद इस सेकेंड फील्ड में भी आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है IFSC कोड की। तो यहाँ पर आपको IFSC कोड एंटर करना है। अगर आपको इस कोड के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर आप सर्च फॉर IFSC के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उस व्यक्ति के IFSC कोड का पता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उसके बैंक की लोकेशन पता होनी चाहिए जिसे आप सर्च करके इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रिसिपिएंट नेम की इस फील्ड में आपको उस व्यक्ति का नाम एंटर करना है और बॉटम साइड में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट एंटर करनी है जो आप उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर 1 रुपये एंटर कर देता हूँ। इस तरह से आपको अमाउंट एंटर करने के बाद एरो के इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में प्रोसीड टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने UPI पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना UPI पिन एंटर करना है, जिसके बाद उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगला फीचर है फ़ोन नंबर। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी के भी फ़ोन नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने फ़ोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर एंटर करना है जिसे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसके भी मोबाइल पर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके मोबाइल पर गूगल पे इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप उसके नंबर पर पैसे भेज पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरह से आपको उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है या फिर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से इस तरह से सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट इंटरफेस में इस तरह से आपके सामने उस कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजने का ऑप्शन आ जाएगा और साथ ही यहाँ से आप उसे पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से कोई भी मैसेज लिखकर इस कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पेमेंट करनी है तो यहाँ पर आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो इस तरह से एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 रुपये एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से आप जितनी अमाउंट सेंड करना चाहते हैं आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में आपको बॉटम साइड में प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने UPI पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना UPI पिन एंटर करना है और UPI पिन एंटर करते ही इस तरह से आपकी पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से आप गूगल पे के थ्रू किसी भी मोबाइल नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों गूगल पे पर आप जितनी बार भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उतनी बार आपको अपना UPI पिन एंटर करना होगा, तभी आप कोई ट्रांजेक्शन्स
गूगल पे के थ्रू कर पाएंगे और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यह बहुत ही बेटर ऑप्शन है। इसी तरह से आप किसी की भी UPI ID या फिर QR कोड पर पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर UPI ID और QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। इसमें UPI ID पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक और पॉपअप ओपन होगा जहाँ पर UPI ID एंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने हैं उसकी गूगल UPI ID एंटर करनी है। जैसे आप एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इसे वेरीफाई करना है और उसके बाद आगे की प्रोसेस में आप अमाउंट एंटर करके अपना UPI पिन एंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगी। गूगल पे अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपकी भी एक बाय डिफ़ॉल्ट UPI ID जनरेट होती है जिसके थ्रू कोई भी आपको पैसे भेज सकते हैं। इसी तरह से आप भी किसी की भी UPI ID पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपनी UPI ID कैसे चेक कर सकते हैं या फिर कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद इस पॉपअप में आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं ओपन कोड स्कैनर। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपका QR कोड स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब गाइज इसके थ्रू आप किसी के भी गूगल पे QR कोड को स्कैन करके उसे पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे पर आपको भी एक QR कोड मिलता है जिसको स्कैन करवा के आप भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्फ ट्रांसफ़र। तो इस पर क्लिक करके आप अपने अदर बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं और अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग बैंक की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने अदर बैंक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक पॉपअप में आपका रजिस्टर्ड नंबर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में सेंड मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके अदर बैंक की डिटेल फेच होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में इस तरह से आपकी बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बॉटम साइड में स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में अब आपसे आपके ATM कार्ड की कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको उन्हें एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट्स एंटर करने हैं और नीचे एक्सपायरी डेट एंटर करनी है। ये सभी डिटेल एंटर करने के बाद आगे की प्रोसेस में आपका अदर बैंक अकाउंट गूगल पे पर ऐड हो जाएगा। अब आप अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर बिजनेसेस का ये टैब देख सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग बिजनेस सर्विसेज आ जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डोनेशंस एंड कम्युनिटी, डेली सर्विसेज, फूड, कम्यूट्स, ट्रैवल, ग्रोसरी शॉपिंग, लाइफस्टाइल, फाइनेंस एंड मोर। तो गाइस यहाँ पर आप गूगल पे के थ्रू इन अलग अलग सर्विसेज में स्विच कर सकते हैं और ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसे कि रेलवे टिकट्स, एयरलाइंस टिकट या फिर बस टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन होटल रूम चेक कर सकते हैं और उन्हें बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप यहां से कर सकते हैं। दोस्तों गूगल पे की होम स्क्रीन पर आप टॉप लेफ्ट साइड में ये कैमरे का आइकन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप पेटीएम की तरह किसी भी शॉप पर QR कोड स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और गूगल पे में एडेड आपका बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहां पर एडेड अपने बैंक अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट आपका ऐड किया गया बैंक अकाउंट एंड सेकेंड ऐड बैंक अकाउंट का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके थ्रू आप अपना अदर बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर अपने एडेड बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपके गूगल पे अकाउंट से रिलेटेड वो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर और UPI IDs। तो गाइस यहां से आप अपनी UPI ID अपने किसी भी फ्रेंड को शेयर करके उससे अपनी UPI ID पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी UPI ID चेंज करनी है तो यहां पर आपको इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आप अपनी करंट UPI ID देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आप कुछ सजेस्टेड UPI IDs देख सकते हैं जिनमें से कोई भी एक चूज करके आप अपनी UPI ID बदल सकते हैं। अब यहीं पर दोस्तों डिस्प्ले QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना गूगल पे का QR कोड चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टॉप राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद सेट अमाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कोई भी अमाउंट एंटर करनी है और डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपका गूगल पे का जो QR कोड है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आप अपना UPI पिन भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपको फॉरगॉट UPI पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ATM कार्ड की कुछ डिटेल्स भरने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स एंटर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करनी है।
इसके बाद बॉटम साइड में आपको एरो के इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपना यूपीआई पिन एंटर करना है। और इसके बाद आपके सामने यूपीआई पिन चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ओल्ड यूपीआई पिन एंटर करना है, उसके बाद न्यू पिन डालकर जैसे ही ओके करेंगे इस तरह से आपका यूपीआई पिन चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप व्यू बैलेंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना बैंक का जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे आप अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे इस तरह से आपके बैंक का जो बैलेंस है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर टॉप राइट साइड में आप ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप चेंज यूपीआई पिन के ऑप्शन से भी अपना यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है रिमूव अकाउंट का, तो इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इनवाइट का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स को अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर इनवाइट कर सकते हैं और उन्हें गूगल पे ज्वाइन करवा सकते हैं। यहीं पर दोस्तों सेटिंग्स का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आप कॉपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना यूपीआई आईडी कॉपी कर सकते हैं और किसी को भी सेंड कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप मोबाइल नंबर का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना ओल्ड मोबाइल नंबर रिमूव करना है और इसकी जगह पर न्यू एंटर करना है। इसके बाद आगे की प्रोसेस में यूपीआई पिन एंटर करना होगा, जिसके बाद आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट मेथड, तो इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल पे अकाउंट में अदर बैंक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग बैंक्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो इनमें से आप अपना अदर बैंक चूज करके गूगल पे पर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज का, तो इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल पे अकाउंट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसके पूरे इंटरफेस की जो लैंग्वेज है उसे बदल सकते हैं। जैसे आप इस तरह से यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे इस तरह से पूरा का पूरा इंटरफेस हिंदी में हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने गूगल पे अकाउंट में कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, तो यहाँ पर प्राइवेसी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गूगल पे मोबाइल नंबर की डिस्कवरेबिलिटी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये टॉगल बटन देख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, यानी कि कोई भी गूगल पे के थ्रू आपके मोबाइल नंबर को सर्च कर सकता है और आपको पेमेंट कर सकता है। यहीं पर अगर आप इसे इस तरह से डिसेबल कर देंगे तो गूगल पे पर कोई भी आपको पेमेंट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर फाइंड नहीं कर पाएगा। यहीं पर दोस्तों आप ब्लॉक्ड यूज़र्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप उन यूज़र्स को देख सकते हैं जिनको आपने ब्लॉक किया होगा। फिलहाल मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर ब्लैंक शो कर रहा है। अगर आप करेंगे तो आपको वो सभी यूज़र्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गूगल पे की सभी नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे टिप्स, फ्रेंड एक्टिविटी, स्मार्ट अलर्ट, ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड रिकमेंडेशंस, चैट मैसेजेस एंड अदर अपडेट्स। इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको गूगल पे के थ्रू मिलती रहती है। इनमें से अगर आपको किसी को डिसेबल करना है तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी, तो इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल पे अकाउंट की सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने स्क्रीन लॉक या फिर पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप अगर अपनी मोबाइल स्क्रीन लॉक को गूगल पे अनलॉक करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज़ स्क्रीन लॉक के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर गूगल पिन के थ्रू अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूज़ गूगल पिन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहीं पर दोस्तों आप फॉरगॉट पिन का ये ऑप्शन देखते हैं, इस पर क्लिक करके आप अपना गूगल पिन चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लॉगआउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गूगल पे अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं, और अगर आपको अपने गूगल पे अकाउंट को क्लोज करना है तो क्लोज अकाउंट के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप हेल्प एंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप रेज BBPS डिस्प्यूट का ये ऑप्शन देखते हैं, इस पर क्लिक करके आप अपना ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जिस पीरियड की ट्रांजेक्शन आप चेक करना चाहते हैं उसकी डेट रेंज आपको एंटर करनी होगी। यहीं पर आप ट्रांजेक्शन रेफर ID के थ्रू भी अपने ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आप गूगल पे की टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर सकते हैं और
लास्ट में आप अपने गूगल पे का वर्जन चेक कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों गूगल पे की सभी सेटिंग्स एंड फीचर्स। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।